जैसे ये प्रॉपर्टी जो आपको दिख रही है पीछे, इस प्रॉपर्टी का नाम है रावला खेमपुर, जो कि 1628 AD यानी कि 1628 में बनी है। सच बताओ तो यहाँ पे आने से पहले तक मुझे पता नहीं था कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे जा रही हूँ। मुझे बस इतना पता था कि कोई हेरिटेज हवेली देखने के लिए हम लोग जाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं हूँ देवा थ्रोए और इस चैनल में मैं बनाती हूँ फूड एंड ट्रैवल वीडियोस। आज वाली एक्सपीरियंस हम सबके लिए बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही रॉयल हवेली में जो 400 साल पुराना है। उदयपुर है मेयर किंगडम की राजधानी। तो जब से मैं उदयपुर में हूँ, मेरा पहले से ही बहुत मन था कि रॉयल्स का जो एंसेस्टर्स है उनके बारे में जानने का, उनका जो रहन सहन है वो थोड़ा पास से देखने का। आज एकदम अचानक से प्लान हुआ कि हम लोग खेमपुर जाने वाले हैं, और जैसे कि आप सबको पता है कि सडन प्लान्स आर द बेस्ट प्लान्स। तो आज फाइनली वो जो मेरा ख्वाब था वो पूरा होने वाली है एक दोस्त के ज़रिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि मेरा ये जो एक्सपीरियंस है वो कैसा जाता है। देखते ही देखते हम लोग पहुंच भी गए खेमपुर, और ये जगह उदयपुर का मेन सिटी से थोड़ा सा दूर है। हम लोगों को 2.5 आवर्स लगा यहाँ पे पहुंचने को। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे। एंटर होने के टाइम का वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि उस टाइम में मैं थोड़ा सा शॉक्ड थी। शॉक्ड इसलिए कि ये जगह मैं एकदम ही एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। दिस इज अ रियल बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज ये वही जगह है जहाँ पे अंग्रेजी मीडियम का शूटिंग हुआ था। मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मुझे शिवरिंग हो रही है। और भी एक फेमस हॉलीवुड मूवी का शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है, द एग्जॉटिक बुटीक होटल्स। आज मुझे ये फील हो रही है कि सडन प्लान्स करनी चाहिए, अननोन जगह पे जानी चाहिए, एकदम आंखें बंद करके चली जानी चाहिए, जैसे कि मैं आई हूँ और इतना अच्छा सरप्राइज मुझे मिला। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, अपनों को बता के जाए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और बातें तो होती ही रहेगी। एक चीज़ जो रावला खेमपुर के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे अभी जो वंशज है उनके, उनको अपने जो हेरिटेज है उनसे बहुत प्यार है, जो मुझे बहुत ही टच किया। यहाँ पे अभी 30+ मेवाड़ी घोड़े हैं, और इनको ये लोग सिर्फ पेट के नज़र से नहीं देखते, ये इनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये संभाल के रखना चाहते हैं। और ये लोग इनको ना लिविंग हेरिटेज भी मानते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। अभी थोड़ी देर में मैं रावला खेमपुर के हिस्ट्री के बारे में रोहित भैया से बात करने वाली हूँ, और जाहिर सी बात है जो कि मैं यहाँ पे आऊँगी मुझे पता नहीं था, तो उनसे बात करने के लिए मैं थोड़ा सा नर्वस तो हूँ। नमस्ते भैया। हमें यहाँ पे आके आपसे मिलके और आपके ये जो ट्रेडिशनल घोड़े हैं, मोर है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ये फार्म का शौक कैसे आया, मतलब घोड़ियों का स्पेशली? ये बेसिकली हमारे लिए एक शौक ही नहीं है। अच्छा। ये एक तरीके की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जैसे ये प्रॉपर्टी जो आपको दिख रही है पीछे, इस प्रॉपर्टी का नाम है रावला खेमपुर, जो कि 1628 AD यानी कि 1628 में बनी है। 1628 में मेरे जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, उनको ये प्लेस एज अ रिवॉर्ड में, उन्होंने एक बैटल में हमारे उदयपुर के जो प्रिंस थे, प्रिंस जगत सिंह जी, उनकी जान बचाई थी। अच्छा। तो उसके रिवॉर्ड में उन्हें ये जगह और आसपास की जगह दी गई, जैसे हम जागीर बोलते हैं हमारे यहाँ पर। हुँ. तो वो उन्हें जगह का जागीरदार बनाया, और उस वजह से जगह हमारे पास है। और मैम, ये जो घोड़े, मारवाड़ी घोड़ों की जब बात करें अपन, तो ये हमारा लिविंग हेरिटेज है। अच्छा। ये हमारे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, हमारे लिए एक शौक नहीं, पर इन घोड़ों ने हमें राज दिलाया है। तो इन घोड़ों का हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और मेरे जो फैमिली हैं, आई एम द फोर्थ जनरेशन माय फैमिली हु आर इनटू हॉर्स ब्रीडिंग एंड हु इज़ पैशनेट अबाउट हॉर्सेज, जिन्हें हमें लगाव है, हम बचपन से इन्हें देखते आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे घर में काफ़ी मेरे एंसेस्टर्स हैं, मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर अभी भी जो हमारे साथ हैं, वो काफ़ी हम सब मिल के डिस्कस करके ब्रीड के लिए काम कर रहे हैं कि जो मारवाड़ी ओरिजिनल ब्रीड है उसका अच्छा स्पेसिमेन कैसे ब्रीड करना है। तो बस उसी का प्रयास यहाँ चल रहा है, इसलिए एक स्टड फार्म है, ब्रीडिंग स्टड फार्म है। एक अभी जो मेरा मेन स्टालियन है उसका नाम है रुद्राक्ष, एक घोड़ा और है हमारे पास मेन स्टालियन, उसका नाम है हग्रीव। तो ये दो घोड़े हैं जिनसे अभी हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है। उनके लिए हमारे पास उनसे अच्छा मेल खाने वाली घोड़ियाँ हैं जिनके साथ हम कुछ अच्छा ब्रीड कर सकते हैं, जिनका ब्लड लाइन, जिनकी पेडिग्री बहुत अच्छी है, ब्लू ब्लडेड
जो घोड़े घोड़ी हैं वो हम रख के कलेक्ट करके और फिर उनसे ब्रीड कर। फाइनली हम लोग रावला खेमपुर के अंदर आ चुके हैं, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि हमें प्रॉपर्टी राउंड करवाया जाए। तो ये है उनका पूल एरिया और उस तरफ है इनका स्टेबल। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है आई मस्ट से ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत सुंदर लगा मुझे ये चीज़। ये रहा घोड़ियों का स्टेबल। मैं असल में जिन दोस्तों के साथ आई हूँ वो लोग भी बहुत शौकीन हैं घोड़ियों का। सच बताओ तो आप लोगों के जैसे मुझे घोड़ियों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो ये लोग क्या बातें कर रहे हैं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जो लंबी गर्दन वाला बच्चा था ना नटराज, अब आप सोने में 4-5 दिन वो जो बच्चा नहीं दूसरी कर मत्तू ये पागला तू को डर जना है नहीं मालूम इसे नहीं है बच्ची अभी। ये सुंदर सा व्यू आ रहा है स्टेबल के ठीक सामने से, और मेरे पास जो आ रहा है एक फ्रेंच बुलडॉग, ये भी इनका पेट है, इसका नाम है ड्यूक। यहाँ पे सारे पेटी बहुत मुझे फ्रेंडली सा लगे। टोटल 4 डॉगीज हैं यहाँ पे, मेरे जैसे डॉग लवर्स के लिए भी अच्छी जगह है ये, मेनली जिनको डॉगीज से प्यार है पर घर पर नहीं रख सकते, एग्जैक्टली लाइक मी। ये पूल साइड एरिया मेनली इनका आउटडोर रेस्टोरेंट का सेटअप है, और अभी हम जाने वाले हैं इनका इंडोर रेस्टोरेंट देखने के लिए। बहुत ही लेविश सेटअप मुझे लगा, एकदम राजपूताना स्टाइल में। 50s में जो मूवीज होते थे वहाँ पे ऐसा नज़ारा देखने को मिलता था। सब लोग बिजी हो गए अपने अपने बातों में। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, रेस्टोरेंट के जो खिड़की है वहाँ से भी स्टेबल दिखता है। अभी हम दूसरे तरफ आ चुके हैं और हम लोग यहाँ के जो बेडरूम्स है और जो हॉल है बाकी के जो प्रॉपर्टी है वो देखने के लिए आए हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, आप लोगों को भी मुझे पता है। मेरे हिसाब से जब तक एक रॉयल प्रॉपर्टी में आप लोग नहीं रहते, जो एकदम असली ऑथेंटिक जगह है रॉयल्स का, तब तक आप लोगों को राजस्थान जैसा फीलिंग नहीं आएगा। चलिए अभी देखते हैं इनका बेडरूम कैसा है। तो ये रहा एक बेडरूम, एकदम शाही वुडन फर्नीचर्स है सारा यहाँ पे। और ये हूँ मैं, बाहर हॉल में सब लोग बैठे हुए हैं, मैं भी जाऊँगी थोड़ी देर बैठूँगी, थोड़ा बातचीत भी करूँगी, फिर बाकी का जो हवेली है वो भी देखने के लिए जाऊँगी। ये जगह विकिपीडिया पे है और यहाँ पर एक बहुत फेमस नेटफ्लिक्स पे एक ट्रेंडिंग मूवी है स्केटर गर्ल करके। हाँ मैंने देखा, राजस्थान का सबसे पहला स्केटबोर्ड स्टेडियम हमारे गांव में बना हुआ है, और मूवी में जगह का नाम भी खेमपुरी है। वहाँ पे जो एक कुआ टाइप बनाया था स्केटिंग करने के लिए वो इधर ही है, वो स्केट पार्क है। स्केट पार्क राइट, मुझे नहीं पता ये सब। हाँ लोगों को नहीं पता बिकॉज़ दिस इज अ न्यू अडैप्टेशन टू इंडिया, और बेसिकली गांव के लिए बहुत अच्छा है। हमारे गांव में वो है, हाँ वो अभी भी है, पार्क है, और उन्होंने उसको अभी गांव को डोनेट कर दिया। वैंस शू कंपनी जो है वो उसकी स्पॉन्सर है, और वहाँ पर हमने वॉलंटियर कोचेज रखे हुए, तो वॉलंटियर कोचेज वहीं रहते हैं, बच्चों को स्केटिंग सिखाते हैं फ्री ऑफ चार्ज, और इनको जितने भी ये स्केटबोर्ड्स हैं जो भी गेयर इनको देना होता है वो सब ये यहीं से देते हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, गाँव में बच्चे स्कूल की तरफ नहीं जाते, तो अगर ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो ही शाम को इनका स्केट पार्क आना अलाउड है। मतलब एजुकेशन भी और एजुकेशन भी प्रमोट हो रही है। इट इज़ अ न्यू स्पोर्ट अडॉप्टेड बाय इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि गांव के बच्चे कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी कोई तंबाकू बीड़ी गलत चीज़ों की बहुत जल्दी आदत लग जाती है, इनमें करने को कुछ ज़्यादा होता नहीं। तो इसमें यह कि अच्छा दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं, देखो बच्चे स्पोर्ट्स एसोसिएटेड हमेशा से होते हैं, तो आप इन बच्चों से नहीं पूछ सकते कि आपको क्या बनना है, आपको क्या स्पोर्ट पसंद है, क्योंकि बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं फुटबॉल हो गया क्रिकेट बहुत एक्सपेंसिव है, प्लस उसमें जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है वो इतना बड़ा है कि उसका ख्याल कौन रखेगा। न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है, वो इतना मेंटेन नहीं कर सकते। इस स्पोर्ट में ऐसा है, द लाइटर यू आर इज गुड फॉर यू, आप जितने हल्के हो, और एक गांव के बच्चे बहुत रफ एंड टफ है, स्केटबोर्ड से गिर भी गए 2-3 बार तो कोई दिक्कत नहीं, फिर खड़े हुए फिर चालू। अब ये लोग नेशनल प्लेयर्स हैं, सारे गांव के बच्चे नेशनल स्केटर्स हैं, और टीम राजस्थान मतलब टीम खेमपुर, राजस्थान के जितने भी स्केटर्स हैं सब यहीं से, और आने वाला इनका एम है हमको ओलंपिक्स में जाना है। अगर दिन में आते तो ज़रूर मैं जाती हूं। बिल्कुल आपको देखना चाहिए, दैट इज़ अ मस्ट वॉच साइट। ये जो यहाँ पर वॉलंटियर कोचेस हैं जो बच्चों के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, आपको लगेगा नहीं कि इन लोग के लिए ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ है, विन द स्केट ऐसा लगता है ये बस हवा में ही फ्लाई कर रहे हैं। एक्सट्रीमली गुड एट इट नाउ, इट्स बीन 2-2.5 ईयर्स ये लोग कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी गुड एट इट। इनके गांव के बारे में, खेमपुर के बारे में इतना कुछ जानने के बाद मुझे बस यही फील हो रहा था कि काश हम लोग दिन में आते।
नहीं हमारे पास में कभी मूवी की वगैरह शूटिंग होती रहती है। हाँ हाँ, तो इसलिए आपको भी आइडिया है। ये जो भैया को आप लोग देख रहे हैं वो बाकी के हवेली के बारे में मुझे ब्रीफ कर रहे थे, तो बस यही एक चीज़ मुझे अभी रिग्रेट फील हो रहा है कि दिन में आना चाहिए था यार। तो आप लोगों को मैं बोलूँगी, इतना अच्छा जगह रहते हुए मुझे नहीं लगता कि अभी जो नया नया होटल वगैरह बना है यहाँ पे उदयपुर में और जहाँ पे आप लोग जाके रहते हैं, उससे अच्छा यार एक दिन दो दिन के लिए यहाँ पे आके देखिए, कितना अच्छा लगेगा। एकदम मतलब असली वाली जो फीलिंग होती है ना कि हाँ भाई मैं राजस्थान में हूँ, मैं उदयपुर सिटी में आई हूँ, उदयपुर मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, वो चीज़ आप लोगों को फील होगा जो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे आके फील हुआ। और ये तो जाहिर सी बात है, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे कैसे स्टे बुक कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे आप लोग यहाँ पे रहने के लिए स्टे बुक कर सकते हो। गूगल में जाके अगर आप रावला खेमपुर के नाम से सर्च करेंगे तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप लोगों को मिल जाएगा, और वहाँ पे इनका पर्सनल जो नंबर है होटल का, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। सेकेंडली ट्रिवागो, ट्रिप एडवाइज़र और गोआईबीबो में भी इनका टाइप है, तो वहाँ से भी स्टे बुक करके आप यहाँ पे रह सकते हैं और कुछ दिन के लिए ही सही रॉयल्स जैसा फील कर सकते हैं। अभी तो मेरा एक चीज़ बहुत मन है कि मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पे एटलीस्ट दो दिन के लिए ला के रखूँ, तो उस बारे में मैं यहाँ पे अभी जा के बात करूँगी भैया से, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अभी जाते हैं ऊपर के तरफ, इनका बाकी जो प्रॉपर्टी है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी रात हो चुकी है, ज़्यादा तो हम लोग इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, फिर भी जितना हो सके मैं तो देखना ही चाहूँगी। तो कैसे ओल्ड गेट है, यहाँ से फिर राजा महाराजा यहाँ से निकालते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ का भी देखो, यह ऊपर का है पूरा। अगर दिन में आती तो मैं और अच्छे से दिखा पाती, और ये ओल्ड टाइप का फ्लोर बना हुआ उस टाइम, इसमें न्यू कुछ नहीं है, एज इट इज ओल्ड टाइप, इस जगह बदल रहा हूँ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे जो लोग है ना वो ना पधारो बोल रहे थे, फिर कैसे बात कर रहे थे, हुकुम बोल के बात कर रहे थे, ये चीज़ मेरे को बहुत यूनिक लगा, मैंने कभी नहीं ये चीज़ फील किया, तो ये भी मेरे लिए बहुत नया था। यहाँ का क्लाइमेट हिसाब से होता है, गर्मी नहीं फील हो रही, लेकिन जैसे कि यहाँ हाँ। पे क्या है कि जिस रूम में जाओगे तो उस रूम में क्या होगा, अगर सर्दी में आए तो वो गर्म होगा, और गर्मी में आओगे तो एकदम मतलब ठंडा महसूस होगा आपको, यह उस टाइप का एक मतलब एक क्लाइमेट उस टाइम में बनाया हुआ है, पुराने टाइम पे भी इतना अच्छा आर्किटेक्चर बना हुआ है। हाँ। ये माता जी का मंदिर है। अच्छा, यह पूरा वापस ये व्यू और पूरा अलग का व्यू, वापस आप पधारो अगर ऊपर, अब ये समझो कि मैं आपको भाई हूँ, ठीक है ना, बेफिक्र रहो, व्यू बता रहा हूँ आपको मैं, अंधेरे में नहीं दिखेगा ना। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो पधारो तो खरी आप, पर पधारो। हमने अभी तक इस हवेली का 25% भी नहीं देखा, और इतने कम टाइम में ये पॉसिबल भी नहीं है कि मैं पूरा घूम के दिखा सकूं। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर सुबह से रात तक सिर्फ एक दिन भी पूरा कवर करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। पूछने से मुझे यहाँ पे पता लगा सबसे अच्छा टाइम रावला खेमपुर में आने के लिए होता है दिवाली के टाइम, उस टाइम पे पूरा हवेली चमकता हुआ रहता है। उधर से हमें आवाज़ दे रहे हैं नीचे चले आने के लिए, क्योंकि काफ़ी रात भी हो चुकी है और हमें सिटी के तरफ भी लौटना है। नहीं, यहाँ का वेबसाइट कहाँ से बुकिंग होता है ना सारा, ठीक है, कहीं से भी इसको बुक कर सकते हैं, और बाकी हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है रावला खेमपुर के नाम से, और फेसबुक हैंडल भी है रावला खेमपुर के नाम से, रावला खेमपुर। यस, आर ए वी एल ए के एच ई एम। मुझे मेरे मम्मी पापा को एटलीस्ट 2 nights के लिए यहाँ पे डन, पैकेज ऑलरेडी गिवन। भाई हमारे आपका घर है, यू कैन एक्चुअली टेल योर पेरेंट दैट आई हैव अ होम, आपको दिखाना है। मैं तो डेफिनेटली फिर से आने वाली हूँ, एटलीस्ट एक दिन के लिए स्टे करने वाली हूँ यहाँ पे, और इनका जो हॉस्पिटैलिटी है उसका पूरा आनंद उठाने वाली हूँ।
और भाई इनके बारे में क्या बोलूं, इनका बातचीत तो खत्म नहीं हो रही और उस तरफ से ड्राइवर का कॉल पे कॉल। ये मैंने पट्टा ले रखी है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।